27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउस आई स्टडी सर्कल कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। मौत कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई थी। केस में अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार हुए लोगों की लिस्ट में कोचिंग सेंटर के मालिक, कोऑर्डिनेटर, बेसमेंट के ओनर के साथ साथ एक गाड़ी ड्राइवर का नाम भी शामिल है। कोचिंग सेंटर में जब ये हादसा हुआ तब तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें बेसमेंट के बाहर एक SUV गाड़ी गुजरती दिखी थी। उसी SUV गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोचिंग और बेसमेंट मालिक की गिरफ्तारी तक तो ठीक है, लेकिन कार मालिक की गिरफ्तारी, पुलिस प्रशासन का एक्शन कम, लीपापोती ज़्यादा लग रहा है। बेसमेंट का संवैधानिक रूप से इस्तेमाल करना तो गलत है ही, जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ जिस तरह से इलाके में पानी भरा था वो भी हादसे का उतना ही बड़ा कारण है जितना कि बेसमेंट का इस्तेमाल करना। और उस लिहाज से MCD अधिकारियों पर सख्त गिरफ्तारी जैसे एक्शन लिए जाने चाहिए, लेकिन MCD पर कार्रवाई करने की जगह पुलिस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर रही है, ऐसा सोशल मीडिया पर भी लगातार कहा जा रहा है। गाड़ी के मालिक की गिरफ्तारी पर दिल्ली सेंट्रल के DCP M. हर्षवर्धन का कहना है कि गिरफ्तार हुए लोगों में एक शख्स वो है जो उस रोड से बहुत तेज स्पीड में अपनी गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है। गाड़ी की स्पीड की वजह से बिल्डिंग का गेट डैमेज हो गया था। इस घटना पर जितने भी लोगों का रोल है उन पर एक्शन होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार DCP का ये भी कहना है कि SUV की तेज स्पीड की वजह से बिल्डिंग का गेट टूट गया था और बेसमेंट में सड़क का पानी भर गया। यही कारण है कि कोचिंग और बेसमेंट के ओनर्स के साथ साथ गाड़ी मालिक को भी अरेस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स पुलिस के इस तर्क को ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि MCD अधिकारियों को बचाने के लिए पुलिस दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रही है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि हादसे में एक्शन के नाम पर मजाक चल रहा है। जिस हिसाब से गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है उससे तो यही लगता है कि अगला नंबर इंद्रदेव का भी हो सकता है। ना बारिश होती और ना ही यह हादसा होता। सोशल मीडिया पर चल रही ट्रोलिंग के इतर देखा जाए तो प्रशासन का यह रवैया भविष्य के लिए भी खतरा है। दिल्ली में बारिश के दिनों में हर रोज हजारों लाखों लोग सड़क पर भरे पानी के बीच सफर करने को मजबूर हैं। ऐसे में सड़क और ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी दिल्ली में दूसरे विभागों की भी होती है। कोचिंग में हुए हादसे के खिलाफ UPSC एस्पिरेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग के पास वाले इलाकों में 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी के अलावा कुछ कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर भी चलाया गया। हादसे में गाड़ी चालक की गिरफ्तारी पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके हमें बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी भावरी ने। मेरा नाम है विपिन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।